अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों की सेकंड क्लास, ठीक है। अच्छा, अब आज हम बात करेंगे आईएसओ पे। लास्ट हम लोगों ने बात करी थी, वो करी थी शटर स्पीड पे। शटर स्पीड उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नहीं आई तो आप लोग मुझसे बहुत आराम से सवाल कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल्स भी काफ़ी शेयर कर दूंगा उसकी, और आप लोगों को इंशाल्लाह टास्क भी दूंगा जिन लोगों के पास DSLR है या DSLR नहीं है, तो आप लोगों ने वो करके भी दिखाना है, ठीक है। तो अब उसके बाद बात ये है ISO की। ISO क्या होता है? बेसिकली काम ISO का भी लाइट का ही है, ठीक है, मगर कितनी कब और कैसे, सबका काम यही होता है कितनी कब और कैसे। जैसे ISO जो लाइट सेंसिटिविटी के लिए भी यूज़ होता है, उसको लाइट सेंसिटिविटी क्या है। हाँ, तो देखें, डे लाइट के अंदर आपको ISO रखना होगा 100, ठीक है। जब शटर स्पीड होगी ज़्यादा 200-250, डिपेंड करता है आपकी लाइट कितनी हार्श है या कितनी लाइट आ रही है, ठीक है। तो उसका यह है कि रात के अंदर आपका ISO काफ़ी ऊपर चला जाता है। अच्छा, मैं एक बात बताना पिछले उसमें भूल गया था कि दो तरह की बॉडीज़ होती हैं। जैसे मैं कैनन यूज़र हूँ, तो इसके अंदर भी मतलब हाफ फ्रेम और फुल फ्रेम। हाफ फ्रेम के अंदर क्या होता है कि मतलब वो क्रॉप सेंसर बॉडीज़ होती हैं। हाफ फ्रेम के अंदर आपके पास काम करने का इतना मार्जिन नहीं होता कि जैसे कि अगर आप ये 50mm का एक लेंस लगाते हैं तो उसका सेंसर क्रॉप होता है। वो 50mm का सेंसर आपको देगा तकरीबन 1.8 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 65 या 70mm, ठीक है। मतलब वो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा जूम देगा क्योंकि वो क्रॉप सेंसर बॉडी है। तो जैसे बिगनर्स वगैरह ये बॉडीज़ हैं 60D, 70D, 1200D, 1300D, 1800D, ये सारी क्रॉप सेंसर बॉडीज़ हैं। जो फुल फ्रेम के अंदर जो प्रोफेशनल बॉडीज़ आती हैं 6G, Mark 3, Mark 4, मैं ये प्रेफर करूँगा, मतलब मैं ही यूज़ करता हूँ, मेरा हाथ इस पर सेट है, मुझे अच्छा लगता है, मैं 6G यूज़ करता हूँ। तो मेरे हिसाब से 6G बेस्ट है। एक लो बजट तो नहीं, नॉर्मली आपको 20-28,000 ने का कैमरा इजीली मिल जाता है, तो ये मेरे हिसाब से अच्छा कैमरा है। और इसके अंदर फ़ायदा ये, अगर आप 50mm का लेंस भी लगा के स्टार्ट करते हैं तो आपको ओरिजिनल 50mm ही देगा, ठीक है, वो आपको 72 या 78mm नहीं देगा। तो बात हो रही थी ISO की। ISO आपकी जो है लाइट को कंट्रोल करता है, वो ऐसे कि क्या कहते हैं, जैसे कि अगर आप बाहर किसी का पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं तो आपका ISO कम से कम होना चाहिए उस वक्त, क्योंकि जितना ISO कम होगा उतनी पिक्चर आपकी साफ सुथरी आएगी। मतलब ISO अगर आपने उस वक्त 800 कर दिया, आपने अपर्चर ले गए आप 13-14 पे, और मतलब और शटर स्पीड आपने 2-3 हज़ार कर दी, तो उससे फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। ISO आपका उस वक्त 100 और नॉर्मल 200-250 शटर स्पीड, और अपर्चर आपका जितना कम होता है, मतलब जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। तो खैर, अपर्चर पे आएंगे तो अपर्चर की बात करेंगे। ISO का अब रात रात के अंदर जाएँ, जैसे वेडिंग इवेंट्स वगैरह में क्या होता है मोस्टली कि लोग जो है मतलब 3200, 4000, 6400 तक ISO ले जाते हैं, ठीक है, तो वो गलत है। ISO का एक चार्ट भी मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, उससे आप लोगों को ISO का समझ में आ जाएगा, तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ बेसिकली। तो ये है कि अच्छा, हाँ एक बात और, जितना कम ISO होगा उतनी ग्रेनलेस पिक्चर होगी, जितना ज़्यादा ISO होगा उतनी पिक्चर में ग्रेन आएंगे, ठीक है। ISO बहुत 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 काम की चीज़ है आपकी ग्रेन्स और पिक्चर की क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ठीक है। अगर आप ISO रात के अंदर फर्स्ट खड़े हैं, आप स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े हैं और आपने मतलब 6400 करके पिक्चर ले ली, 6400 ISO करके पिक्चर ले ली, तो बहुत ज़्यादा ग्रेन जाएंगे आपकी पिक्चर पे, जो कि नॉइज़ रिडक्शन वगैरह एडिटिंग पे बाद में जाके हट तो जाते हैं, मगर वो बात नहीं आ पाती। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती रहेंगी। अब क्योंकि अभी मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ ये चीज़, शटर स्पीड, ISO और अपर्चर, तो शायद मेरा नहीं ख्याल कि इतनी क्लियर हो रही होगी, मगर जब मैं तीनों को एक साथ कंबाइन करूँगा, आपको तीनों की एक साथ एग्जाम्पल्स दे के समझाऊँगा कि पिक्चर कैसे ली गई, क्या हुआ, तो होपफुली वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।